मिल्क की फ्रूटी साथ में ही थोड़ा सा टैंगी, ऐसा अनोखा डिजर्ट है ये दोस्तों। वैसे तो बच्चे फ्रूट्स खाना पसंद नहीं करते, तो बच्चों को फ्रूट्स खिलाने का बड़ा ही अच्छा तरीका है ये। बिना अंडा बिना जिलेटिन बस कुछ सिंपल चीजों से बना ये फ्रूट का डिजर्ट बड़े क्या बच्चे क्या सब मांग मांग के खाएंगे। एक ही वीडियो में दो दो रेसिपीज दी है मैंने आपको, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले ये देखिए, मेरे पास ये इस तरीके के लोफ टिन है, इनमें से ये वाला यूज करूंगी मैं रेसिपी के लिए। इसमें ये डॉट्स वाली जो डिजाइन है ना, इसकी वजह से इसे यूज करना सही नहीं रहेगा। आप आपके पास अवेलेबल ऐसा कोई टिन या फिर कोई प्लास्टिक कांच या स्टील के डिब्बे में भी इसे सेट कर सकते हो। अब डिब्बा सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर एक ऑरेंज लिया है। ऑरेंज जो ऐसे थोड़े से कड़क होते हैं ना, उसमें से यूज करना ताकि इसकी स्लाइसेस काटना पॉसिबल हो। मीठे भी होते हैं ये। वैसे इस रेसिपी के लिए ऑरेंज बिल्कुल ऑप्शनल है, पर इस केक के लुक में एक अच्छा कलर ऐड करने के लिए मैंने इसे यूज किया है। तो ऊपर से अच्छे से छीलने के बाद इस तरीके से मैं इसके स्लाइसेस काट लूंगी। आप ऑरेंज या येलो कलर का दूसरा कोई भी फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हो। मेनली इस रेसिपी के लिए फ्रूट्स चूज करते समय ये ध्यान रखना, फ्रूट ऐसा हो जो इस जेली जैसे केक के साथ इजीली कट हो पाए। जनरली चीकू मैंगो कीवी बनाना स्ट्रॉबेरी ऐसे पल्पी फ्रूट्स काटने में भी इजी रहेंगे और खाने में भी दूध या दही के कॉम्बिनेशन में अच्छे लगेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये तो कीवी इस्तेमाल किए हैं, इनका आगे पीछे का हिस्सा निकाल कर पहले इनका छिलका हटा देना और दोनों का छिलका हटा कर फिर ये देखिए इस तरीके से इन्हें स्लाइसेस में काटेंगे हम। थोड़े से स्लाइसेस काट कर बचे हुए कीवी को मैंने इसे टुकड़ों में काटा है। अब ये जो स्ट्रॉबेरीज है ना, इनके भी इस ग्रीन पोर्शन को हटाकर इन्हें भी हम स्लाइसेस में काट लेंगे। फिर थोड़े से स्ट्रॉबेरीज के ऐसे टुकड़े भी करेंगे हम। दोस्तों अभी मार्केट में ये ब्लैक ग्रेप्स भी काफ़ी अच्छे आते हैं, तो मैंने ये यूज़ किए हैं। आप चाहो तो ग्रीन ग्रेप्स भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। साथ में ही अभी मैं बस एक ही बनाना काट रही हूँ, ज़्यादा काट कर रखने से ये काला हो जाएगा, इसलिए अभी जितना ज़रूरी है उतना ही लिया है। तो ये देखिए दोस्तों, कितने प्यारे कलरफुल फ्रूट्स लिए हैं हमने। चलिए अब इस टिन में एक एक करके इन कलरफुल फ्रूट्स के स्लाइसेस को हम अरेंज करेंगे। अभी आप जितने अच्छे से इन्हें अरेंज करोगे ना, केक उतना ही सुंदर उतना ही ब्यूटीफुल दिखेगा। जैसे बेस में फ्रूट्स लगाए हैं, वैसे डिब्बे के साइड में भी लगा देंगे, कहीं पर स्ट्रॉबेरीज कीवीज बनाना सारे फ्रूट्स को इस तरीके से साइड में लगाने के बाद, अब आगे की प्रोसेस करने से पहले इस टिन को थोड़ी देर फ्रिज में रख देंगे हम। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक छलनी पर एक कॉटन का कपड़ा रखा है, इस पर हम ये एक कप एकदम फ्रेश दही डाल देंगे। हमें ना इसमें से जितना हो सके पानी निकाल देना है, तो सारा दही इसमें रखकर ऐसे कपड़े को निचोड़ कर इसमें से पानी को निकाल देना। और हाँ, लेते समय ही आप ना गाढ़ा दही यूज करना, ताकि कम से कम पानी और ज्यादा से ज्यादा दही मिले आपको। थोड़ा सा पानी निचोड़ने के बाद इसे खोल कर एक बार चम्मच से मिक्स करेंगे हम, और फिर से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। और फाइनली आप देख सकते हो कितना बढ़िया सा गाढ़ा दही मिला है हमें। दोस्तों अब मैंने इसे ऐसे ही चम्मच से थोड़ा सा फेंटने की कोशिश की है, पर बेहतर रहेगा आप इसे थोड़े से बड़े बाउल में डालकर अच्छे से विस्क करें। ऐसे विस्क करने से ना इसमें से सारी गुठलियाँ मिट जाएगी और एकदम स्मूथ बनेगा ये। ऐसे ही चाहिए हमें इस रेसिपी के लिए। चलिए अब इसे साइड में रख कर एक पतीले में हम डालेंगे ये एक और ये आधा, मतलब 250 प्लस 125 ml दूध। इसी के साथ आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने लिया है ये अगर अगर। अगर अगर मतलब ये एक नेचुरल वेजिटेबल जिलेटिन है। अपने रेसिपी में जो टेक्सचर आया है ना जेली जैसा, इसी के वजह से है वो। और आजकल मार्केट में ये काफी इजीली मिल भी जाता है, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं। अब इसका ऐसे है ना, 100 ग्राम लिक्विड के लिए 1 ग्राम अगर अगर। अपनी इस रेसिपी में टोटल लिक्विड अराउंड 600 ग्राम तक हो जाएगा, इसलिए हम इसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच, मतलब 6 to 7 ग्राम अगर अगर। अच्छे से मिलाएंगे इसे दूध के साथ। दोस्तों बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स वाली रेसिपी है, पर जो रिजल्ट आएगा ना, लाजवाब। चलिए अब गैस का फ्लेम ऑन करके लो मीडियम फ्लेम पर हम इसे ऐसे चलाते हुए कुक करेंगे।
पहले हम अगर-अगर को ऐसे दूध के साथ मिलाते हुए कुक करेंगे और 2 मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे 200 ग्राम कंडेंस मिल्क। ये मेरा होममेड कंडेंस मिल्क है, बस 2 मिनट में बनाया हुआ, थोड़ा जल्दबाजी में बनाया इसलिए इसमें मिल्क पाउडर की कुछ गुठलियाँ दिख रही है, पर कोई बात नहीं, फटाफट से सारे के सारे कंडेंस मिल्क को इस दूध में डालकर मिलाते जाना। अब अगर होममेड कंडेंस मिल्क कैसे बनाते हैं वो आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन की लिंक ज़रूर चेक करना। कंडेंस मिल्क बनाने के 2 तरीके मैंने शेयर किए हैं एक ही वीडियो में, ज़रूर देखना। और फिर भी अगर आप कंडेंस मिल्क नहीं डालना चाहते तो इसके बदले आप 150 ग्राम के करीब करीब चीनी इसमें डालकर मिला दो ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब कंडेंस मिल्क को डालकर हमने मिलाया है मिश्रण के साथ और आप देख सकते हो बहुत अच्छे से गाढ़ा होने लगा है ये। इससे ज़्यादा इसे ना पकाए, नहीं तो यहीं पर ये सेट होने लगेगा। तो फ्लेम को तुरंत बंद करके ये जो अपना फेटा हुआ दही है ना, इसमें हम इस सारे के सारे मिश्रण को डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को ऐसे फटाफट से विस्क करते जाएंगे हम। आप देख सकते हो 1 मिनट में ही इस मिश्रण के साथ दही भी काफ़ी अच्छे से मिल गया है, पूरा का पूरा बैटर एकदम स्मूथ लग रहा है। तो हम क्या करेंगे ना, एक एक करके सारे के सारे कटे हुए फ्रूट्स इसमें डाल देंगे। ये एक बनाना मैंने अभी कट कर लिया है, इसे भी इसमें डाल देना। तो सारे के सारे फ्रूट्स को भी इसमें डालने के बाद एक बार अच्छे से मिला देना और अब इस टिन को मिश्रण से फटाफट से भर देंगे हम। मुझे इसमें डालते समय भी थोड़ी सी हड़बड़ी हुई, पर आप क्या करना ना, इस मिश्रण को इस तरीके से फैलाना अच्छे से ताकि ये फ्रूट्स के बीच बीच तक अच्छे से घुस जाए। ऐसा करने से आपका केक का जो शेप है ना वो बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए अब पूरा का पूरा मिश्रण इस टिन में डालने के बाद ऊपर से थोड़ा सा क्लीन करके अब हम इसे फ्रिज में 2 घंटे सेट होने देंगे। दोस्तों आप सोच रहे हो ना हमारे पास अगर अगर नहीं है तो क्या करें? एक्चुअली इस रेसिपी का टेक्सचर तो अगर अगर से ही मिलेगा, पर आप अगर दूध और फ्रूट से कुछ टेस्टी बनाकर खाना चाहते हो तो डिलीशियस फ्रूट कस्टर्ड ही बना लेना जब तक अपनी अगर अगर वाली रेसिपी सेट हो जाए। चलिए देखते हैं फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी। दोस्तों ये सारी चीज़ें ना खाने में जितनी अच्छी लगती है बनाने में उतनी ही आसान होती है। ये मेरी रेसिपी फॉलो करके फ्रूट कस्टर्ड बनाओगे ना आप, तो ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला और एक डिलीशियस इंग्रेडिएंट के साथ बहुत ही टेस्टी बनेगा ये। तो आप क्या करना, एक पतीले में 1/2 लीटर मतलब 2 कप दूध लेकर एक्स्ट्रा 50-60 ml दूध एक कटोरी में निकाल लेना। इस कटोरी में हम डालेंगे 2 से 2.5 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। अगर आप गाढ़ा कस्टर्ड पसंद करते हो तो 2.5 चम्मच कस्टर्ड पाउडर यूज़ करना, नहीं तो थोड़े से पतले कस्टर्ड के लिए 2 चम्मच पाउडर भी काफ़ी है। तो ऐसे ठंडे या नॉर्मल टेम्परेचर के दूध में कस्टर्ड पाउडर मिलाकर इसे ऐसे घोल बनाएंगे हम। अब दूध को हम लो मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यूस चलाते हुए गर्म करेंगे और जब इसमें एक उबाल आ जाए इसमें हम डालेंगे 4 बड़े चम्मच चीनी। चीनी को भी इसमें पूरी तरीके से मेल्ट होने देना और जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाए इसमें कस्टर्ड पाउडर का घोल डालकर मिला देंगे हम। बस घोल डालने से पहले एक बार इसे भी चम्मच से मिला देना और फिर इसे मिश्रण में डाल देंगे हम। हाँ, पर पूरा का पूरा एक साथ ना डालना, थोड़ा थोड़ा सा घोल डालते हुए चम्मच से इसे मिश्रण के साथ मिलाते जाना ताकि इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ ना हो। अब सारा का सारा घोल इसमें डालकर मिलाने के बाद ऐसे ही मिलाते हुए और 3 से 4 मिनट पकाएंगे हम इसे। तो ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा गाढ़ा और क्रीमी लग रहा है ये। अब फ्लेम को बंद कर देना, 10 से 15 मिनट इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। इस दौरान भी आप इसे बीच बीच में एक दो बार जरूर चलाना। 15 मिनट के बाद ये देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी मलाई। अगर घर की मलाई ना हो तो आप चाहो तो 2 चम्मच फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हो। इस कस्टर्ड को भी और फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैंने ये शहद लिया है, तो क्रीम के साथ साथ 1 चम्मच शहद भी इसमें डाल दो तो और भी टेस्टी बनेगा ये। अब पहले इसे फ्रिज में रखकर अच्छे से ठंडा कर लेना। फिर सर्व करने से पहले आप इसमें ये काट कर ठंडे किए हुए फ्रूट्स को डाल देना। इसमें भी मैंने केले को काट कर नहीं रखा था, इसे भी एकदम कस्टर्ड में ऐड करते समय काट कर बाकी फलों के साथ मिश्रण में इसे भी डाल देंगे हम। तो दोस्तों फ्रूट कस्टर्ड हो या फ्रूट स्मूदी केक, दोनों भी एक से बढ़कर एक है।
तो आपको इनमें से कौन सी रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगी और आप कौन सी ट्राई करना चाहते हो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो नीचे का लाल रंग का सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाना, साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक करना, जिससे आपको मेरे नए वीडियो के बारे में सबसे पहले पता चलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।